नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लौट आए हैं, लेकिन फिजिकली नहीं, सोशल मीडिया पर। जी हां, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके बताया है कि दोस्तों मैं अपना इलाज करा रहा था। अपने स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते होंगे, दोस्तों मैं अपना इलाज करा रहा था, मुझे ACL लिगामेंट की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं अपना इलाज करा रहा था, मैं इसमें व्यस्त था। इस ट्वीट करने के बाद तेजस्वी यादव खुद ही ट्रोल हो गए। आपने स्क्रीन पर देखिए लोगों के अटपटे अटपटी, जो तेजस्वी के ट्वीट पर जो रिप्लाई है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के बाद वो किस तरह से ट्रोल हो रहे हैं, लोग क्या लिख रहे हैं। तो आप देखिए अपने स्क्रीन पर मिथिलेश हैं, मिथिलेश ने लिखा है कि नेता पुत्र जी हिंदी में लिखो, हिंदी सबको अच्छे से आता है। रही बात कहाँ थे और क्या कर रहे थे, उससे बिहार की जनता को क्या लेना देना। जब सिर्फ चुनाव के टाइम मतलब रखते हो बस उसी तरह मतलब रखो, पर अब उससे कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद ये भी लिखा गया है कि आपको सिर्फ एक ट्वीट करना था, ये भूपेंद्र सिंह लिख रहे हैं। जी हाँ, आपको सिर्फ एक ट्वीट करना था जो आपने नहीं किया। यही काम पहले कर देते तो शायद लोगों को मौका नहीं मिलता मिर्च मसाला लगाकर बात बनाने का। अपनी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ही मुजफ्फरपुर भेज देते तो भी आपकी सक्रियता मानी जाती। एक और है, मोहन सिंह हैं, उन्होंने लिखा है कि झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं, थाईलैंड घूम रहे हो। एक और ट्विटर यूज़र हैं डॉक्टर गौरव मिश्रा, उन्होंने लिखा है कि फ़ोन का भी ट्रीटमेंट चल रहा था क्या, एक ट्वीट ही कर देते मुजफ्फरपुर के बच्चों के लिए, किसे बेवकूफ़ बनाते चल रहे हो। और लिखते हैं देखो वो आ गया। एक और ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है कि एगो बात पूछे हैं, ये अंग्रेजी में कौन ट्वीट करता है। तो इस तरह के जो ट्वीट हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और तेजस्वी यादव ट्रोल हो रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव का ये जो ट्विटर पर सामने आना कितना सही है, क्या उनको फिजिकली तौर पर आकर के मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रखनी चाहिए थी। सवाल तो तब भी उठ रहे हैं जब तेजस्वी यादव इतने दिन से लापता थे, वो ट्वीट तो कर ही सकते थे, वो क्या उनका लिगामेंट का प्रॉब्लम सही हो गया है कि अब वो ट्वीट करने लायक हो गए हैं। इस तरह के सवाल जो है वो मीडिया में लगातार गोंद रहे हैं और सवाल किए जा रहे हैं ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर भी। कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव ट्रोल हो गए हैं, माँ राबड़ी देवी भी जवाब देने के बजाय झल्ला जाती हैं, मीडिया पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि आप ही घर में होंगे तेजस्वी यादव। रघुवंश प्रसाद सिंह, राजद के सीनियर नेता है, वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव सवाल क्यों पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जाना चाहिए PM नरेंद्र मोदी से, सवाल पूछा जाना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से सवाल क्यों पूछा जा रहा है, ना ही वो मुख्यमंत्री हैं ना ही वो प्रधानमंत्री हैं, वोट मांगने तो प्रधानमंत्री आए थे और मुख्यमंत्री साथ साथ में थे, तो सवाल उनसे किए जाने चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव फिलहाल ट्रोल हो रहे हैं, लगातार ट्रोल हो रहे हैं। ट्विटर पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से तेजस्वी यादव को ट्रोल किया जा रहा है। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हाँ आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रखना है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecity.in पर जाएं। धन्यवाद।